नहीं, देखिए शिक्षा की गुणवत्ता तो बिहार में बढ़ना ही चाहिए। जो मांग है कि काफ़ी लंबा समय के बाद उन लोगों की गुणवत्ता की परीक्षा हो रही है, लेकिन इसके पहले भी शायद हो चुका है। बिहार सरकार ने इसके पहले भी दक्षता परीक्षा लिया था जिसमें वो लोग पास हो चुके हैं, तो उन लोगों का तो कोई मतलब नहीं बनता। ये तो अभी आया है, लेकिन हम भी एक चैनल पर देखे हैं कि जो पढ़ाया गया जा रहा है, जो सिलेबस है जिनको पढ़ाने का, जैसे प्राइमरी के शिक्षक का होगा। बिहार में नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा हो रही है, ऐसे में नियोजित शिक्षक काफ़ी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लगातार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, ऐसे में यह मांग कर रहे हैं कि बिना किसी शर्ते उनको राजकर्मी का दर्जा मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं। राजू जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों के द्वारा लगातार मांगे की जा रही है और आक्रोशित नजर आ रहे हैं राजकर्मी के दर्जा का? नहीं, देखिए शिक्षा की गुणवत्ता तो बिहार में बढ़ना ही चाहिए, और उनकी जो मांग है कि काफ़ी लंबा समय के बाद उन लोगों की गुणवत्ता की परीक्षा हो रही है, लेकिन इसके पहले भी शायद हो चुकी है, तो जो उसमें लोग क्लियर कर चुके हैं तो उनका तो नहीं है बराबर होना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार ने इसके पहले भी दक्षता परीक्षा लिया था जिसमें वो लोग पास हो चुके हैं, तो उन लोगों का तो कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर शिक्षा में सुधार के लिए सरकार अगर कुछ करना चाह रही है तो निश्चित रूप से अच्छा कदम है, लेकिन शिक्षकों का भी ध्यान रखना चाहिए कि 10 साल 20 साल 15 साल के ज्वाइनिंग के बाद अगर ऐसा होता है तो इस पर एक बार सरकार को विचार करना चाहिए। बीते दिनों कहा गया था कि जिस तरीके से जो युवाओं को पढ़ाते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, उसी तरीके का सिलेबस से सवाल पूछा जाएगा, लेकिन जो सवाल पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, जिस तरीके से परीक्षा की शुरुआत हुई है, वो UPSC BPSC के लेवल पे सवाल पूछे? नहीं, अभी तो अभी आया है, लेकिन हम भी एक चैनल पर देखे हैं कि जो पढ़ाया गया जा रहा है, जो सिलेबस है जिनको पढ़ाने का, जैसे प्राइमरी के शिक्षक का होगा, मिडिल स्कूल के शिक्षक का होगा, तो उस सिलेबस में अगर पूछा जा रहा है तो ये होना भी चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता निश्चित रूप से बिहार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अपना मुकाम दिया है, सबसे ज़्यादा देश में IAS IPS देने का काम किया है, तो शिक्षा की अगर गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार काम कर रही है तो हमको लगता है कि उन लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। लेकिन जो दक्षता परीक्षा पास हो चुके हैं उनको तो इससे अलग रखना चाहिए। ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में सरकार ने कहा था कि जो शिक्षक मांग कर रहे हैं उनको पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अब तो ये सरकार की बात है, स्वाभाविक रूप से है कि अगर किशनगंज का आदमी हो और सिवान में पोस्टेड हो, अगर ऐसा चाहे सिवान का आदमी हो किशनगंज में पोस्टेड हो, तो इस तरफ में सरकार को विचार करना चाहिए कि कम से कम उनको इतना दूरी नहीं, नज़दीक में अगर ऑप्शन है तो उसका, इस पे तो सरकार को विचार करना चाहिए। इसका तो समर्थन हमारी पार्टी करती है, एकदम होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। जिस तरीके से शिक्षकों की मांग है, इसको देखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी थे हमारे साथ। ऐसे में नियोजित शिक्षकों के समर्थनों में तमाम प्रतिक्रिया देते यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से नियोजित शिक्षक कार्यरत है, उनकी मांगें जायज है, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे राजू तिवारी, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।